हेलो हर भाई, सक्षम की वीडियो में आपका एक बार स्वागत है। तो आज हमारे सामने गाड़ी है 2024 मॉडल न्यूली लॉन्च मारुति सुजुकी डिज़ायर ZXi वेरिएंट। आप देख रहे हो, देख सकते हैं आप। इसमें फ्रंट की बात करें प्रॉपर LED में, नीचे आपको हेलोजन के अंदर में इंडिकेटर देखने मिल रहा है। बट ये इधर पे भी इतनी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने फिनिशिंग दी है कि समझ नहीं आता। बाकी नीचे फॉग लैंप्स की बात करें तो ये भी आपको LED में ही देखने मिल जाते हैं। एंड यहाँ से यहाँ तक आपको LED का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार मैं लुक दिखा देता हूँ, तो ये देख लो। बीच में भाई अगर ऑडी का लोगो लगा दिया ना तो बिल्कुल ऑडी ऐसी लगेगी। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये पियानो ब्लैक फिनिश में कर दिया गया है। बीच में नॉर्मल सुजुकी का लोगो है, ठीक है। एंड ऐसे कुछ आ जाते हैं इसके एलॉय भी ला रहे हैं। ये ब्लैक कलर में है, इस वजह से थोड़े अजीब लग रहे हैं। बाकी एलॉयज हैं ये। एंड 15 इंचेस के हमें इसमें व्हील्स देखने मिल जाते हैं, ठीक है। एंड ये ZXi वेरिएंट है, तो इसमें हमें यहाँ पर कुछ नहीं देखने मिल रहा, नॉर्मल ही देखने मिल रहा है। एंड यहाँ से तो बिल्कुल डिज़ायर ही जैसी लुक आ रही है, डिज़ायर प्लस बलिनो जैसी। बाकी अगर हम ZXi प्लस में जाएंगे तो उसमें हमें सामने फ्रंट पार्किंग कैमरा भी देखने मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन है, ठीक है। बाकी थोड़ी और बात करूँ तो आगे की तरफ आपको डिस्क ब्रेक के ऑप्शन देखने मिल जाता है। एंड पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक की 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने मिल जाता है। एक बार पीछे से दिखा देता हूँ, तो एक बार यहाँ से लुक देखो। एंड अभी यहाँ से देखो, ये चेकआउट करो, काफ़ी शानदार। इसमें पीछे की तरफ आपको DRL का ऑप्शन देखने मिल रहा है। एंड यहाँ पर हेलोजन मिल रहा है आपको रिवर्स लाइट एंड इंडिकेटर्स के अंदर में। एंड अगर बात करें तो ये देख सकते हैं इंडिकेटरों में कुछ ऐसा ब्लिंक करता है जो काफ़ी बढ़िया है। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से वहाँ तक का क्रोम का पार्ट आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो सुजुकी का लोगो आपको देखने मिल रहा है। डिज़ायर की बैजिंग में यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। पीछे आपको चार पार्किंग सेंसर्स आपको देखने मिलेंगे और ऐसा ही डिज़ाइन है, ठीक है। तो गाड़ी हमने आगे करवा दी है, तो थोड़ा और ढंग से दिखा दूँ तो ऊपर आपको शाफ्ट एंटीना भी देखने मिल जाता है। अगर ZXi प्लस की तरफ जाओगे तो ऊपर आपको सनरूफ का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, वो उसका भी जल्दी रिव्यू आएगा। एक बार ही बूट स्पेस ओपन करके दिखा देते हैं, तो ये देख सकते हैं। एंड वहाँ से हैप्पी कस्टमर्स मारुति सुजुकी के, ठीक है। बाकी ये चेकआउट करो। इसकी कीज़ की बात करें तो इसकी कीज़ से ही हमें इसके जो बूट ओपन हम यहीं से कर सकते हैं, देख सकते हैं। लॉक अनलॉक एंड बूट होल्ड के बटन यहाँ पर देखने मिल जाते हैं। 382 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील देखने मिल रहा है, ये 14 इंचेस का है। जो कि गाड़ी में लगे हुए हैं वो 15 इंचेस के हैं, थोड़ा सा पतला आता है, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा लाइट डोर लग रहा है। बाकी कई लोग कह रहे हैं कि भाई 5-स्टार रेटिंग के साथ गाड़ी है, तो मुझे तो नहीं लगता। बाकी अपना ओपिनियन दे देना कमेंट में, यहाँ से देख लोगे एक बारी। तो ब्लैक एंड पीच कलर में डोर है, उसका डिज़ाइन है। यहाँ पर सिल्वर फिनिश, यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन, सॉफ्ट टच इसमें नहीं देखने मिल रहा, ठीक है। स्पीकर का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है। एक बार हम बैठ के देखते हैं, तो ये चेकआउट करो। डिज़ायर की यही एक चीज़ मुझे सही लगती है, इसके हेडरेस्ट भाई काफ़ी मतलब बढ़िया होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। एकदम मेरे हाथ के ही लंबाई का है ये, ठीक है। 2 एडजस्टेबल हेडरेस आपको देखने मिल रहे हैं। एंड यहाँ की तरफ अगर इसमें देखने मिल रहा है इसमें कप होल्डर, जो कि ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो सीट बेल्ट के ऑप्शन आपको देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स का ऑप्शन देखने मिल रहा है, 3 साइड ड्राइवर साइड को छोड़ के। ऊपर रूफ लैम्प देखने मिल रहा है, बट ये येलो में क्यों दिया है? वैसे येलो में ही आता है, इसको हम आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं वाइट। पीछे की तरफ रियर AC वेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं, एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। स्पेस की बात करूँ तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ जाता है, ये देख सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पर इसके जैक वगैरह जो भी अभी फर्स्ट एड किट वगैरह यहीं पर पड़ी हुई है, साथ में देंगे गाड़ी के। बाकी यहाँ से एक बार चेकआउट करो तो ये देख लो, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं एंड फिर बात करते हैं कि आगे हमें क्या क्या फीचर्स देखने मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ना हमें कंपनी फिटेड डिज़ायर की डोर लाइटिंग हमें देखने मिल रही है, देख लो, ठीक है। ये जलती है रात के टाइम, अच्छी बढ़िया लुक देगी। यहाँ पर आगे की बात करें तो यहाँ पर हमें सिल्वर फिनिश देखने मिल रही है। यहाँ पर सॉफ्ट टच है, ड्राइवर सीट कपड़ा टाइप का लगा हुआ है। 4 पावर विंडो के कंट्रोल हैं, एक ऑटो का ऑप्शन है, न्यू वाली स्विफ्ट कुछ ऐसी है, ठीक है। बैठते हैं गाड़ी में, बस फुल डोर लगाते हैं। एंड ऐसे बात करें तो यहाँ पर सिल्वर फिनिश, यहाँ पर भी डिज़ाइन आपको देखने मिल रही है। यहाँ पर हमें पुश स्टार्ट बटन देखने मिल रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन कंट्रोल देखने मिल रहा है, नीचे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने मिल रहा है, और बीम सेट करने का भी बटन हमें नीचे ही देखने मिल रहा है, ठीक है। तो एक बार मैं सीट एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी,
एंड अब बात करते हैं एक बारी, इग्निशन खोल लेते हैं। भाई मैंने अभी तो रिव्यू अभी ले रहा हूँ, लेकिन मैंने जो वीडियोस वगैरह में भी देखा था ना, तो मैं एक चीज़ पॉइंट कर गई थी कि ये जो इसके कांटे हैं ना, ये एनालॉग जैसे हमें मिल रहा है इसका स्पीडोमीटर, ये जो कांटे हैं ना, ये MG के हेक्टर जैसे लग रहे हैं। मैं डाल दूंगा तुम्हें फोटो, ये MG के हेक्टर से ऐसा लगता है चुराया है इन लोगों ने, मारुति वालों ने, ठीक है। बाकी भाई कुछ भी हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, चाबी चेंज नहीं होगी इसकी, अब इसको भी चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का ऑप्शन देखने मिल जाता है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो गाड़ी में ना ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने मिल रही है, तो एक बार मैं इसका रिवर्स दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं रिवर्स कुछ ऐसा आ जाता है, कुछ इतना सही नहीं है बट ठीक है, ठीक है। बाकी इसको चलाने में तो भाई मज़ा ही आ जाता होगा। एंड भाई एक चीज़ भाई खानदानी चली आ रही है मारुति की, भाई ये देख लो, ये जो वुडन है ना, ये जैसे सियाज वगैरह में भी आता है, तो कई गाड़ियों में मारुति की में ही रहता है। बाकी इस नई वाली डिज़ायर में भी डाल दिया है, डिज़ायर में ऐसे भी आता था पहले, तो ये देख सकते हैं भाई कितना बढ़िया है, इसमें फिट एंड फिनिश है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो, ठीक है। तो ये अच्छी लगती है भाई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एंड मतलब काफ़ी भाई ऐसा लगता है कि BMW का इंटीरियर हो बिल्कुल, ठीक है। नई वाली स्विफ्ट में भी ऐसा ही है। तो बाकी अगर यहाँ से बात करूँ, ऑटो फैन वगैरह के ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, ऑटो AC, यहाँ पर रियर AC विंड्स आप दिखा देता हूँ, तो यहाँ से रियर के पीछे की भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड इसको हम बंद कर सकते हैं पीछे वाले, नया ऑटो है, ऑफ़ करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से है, ठीक है। बाकी अगर हम इसके कंट्रोल करना चाहें स्पीड, तो यहाँ से स्पीड कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। बाकी नीचे की बात करें तो वायरलेस चार्ज का ऑप्शन आपको देखने मिल रहा है, तो ये देख सकते हैं ब्लू हो गया था, मैंने अपना फ़ोन रखा था वायरलेस चार्ज ना, तो। एंड ऊपर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है इसमें रूफ लैम्प येलो के अंदर में, यहाँ पर बात करें तो वैनिटी मिरर का ऑप्शन है, आज ब्लर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है कैमरा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है इसमें IRVM, यहाँ पर कुछ नहीं देखने मिल रहा। बाकी यहाँ की बात करें तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं देखने मिल रहा है, ठीक है। कोई भी हमें क्रूज़ कंट्रोल वगैरह नहीं देखने मिल रहा है, यहाँ पर कॉल कट एंड म्यूट के ऑप्शन देखने मिल रहे हैं, स्पीकर पर डाल सकते हैं फ़ोन, यहाँ से चैनल चेंज कर सकते हैं, मतलब ये जो वेरियंट है ना ऐसा है कि इसमें आपको DRL वगैरह भी मिल रही है यहाँ के बढ़िया, मतलब बाहर से तो गाड़ी बहुत ही ज़्यादा भाई बिल्कुल प्रीमियम लगती है, कॉम्बो मिल रहा है आपको गाड़ी का, अंदर से भी देखो आपको डिस्प्ले मिल रही है, AC वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिक तो है ही, थोड़े बहुत फीचर्स नहीं होंगे। बाकी ये देख सकते हैं मारुति का लोगो, ये छिपका रहने दो नहीं तो, ठीक है। तो ऐसे ही है, बाकी यहाँ की बात करें तो 220 फुल स्पीड आपको देखने मिल रही है यहाँ पर, जैसे कि मैं जो भी गियर लगाऊंगा ना, तो जैसे ये न्यूट्रल से हट के ये साउंड करने लग जाएगा, ठीक है। एंड नीचे की बात करें तो यहाँ पर USB पोर्ट है, यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसे ही है, अब चल लेते बाहर। बाकी स्पीकर भाई गाने तो भाई, नीचे ग्लव बॉक्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो चल लेते हैं बाहर। बाकी यहाँ पर मैनुअल हैंडब्रेक आपको देखने मिल रहा है, दो चार्जिंग सॉकेट आपको देखने मिल रहा है, थोड़ा सा फ़ोन वगैरह रखने का स्पेस है, ठीक है। तो चल लेते हैं, ठीक है भाई। तो ऐसी कुछ थी, ये थी 2024 मॉडल मारुति सुजुकी डिज़ायर ZXi। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।